छोटे से शहर में अमित नाम का आदमी अपनी पत्नी मेघा के साथ रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसकी ये पहली संतान थी। अमित और उसकी पत्नी बेहद खुश थे। वो अपनी होने वाली संतान के सपने देखा करते थे। एक दिन की बात है, अमित अपनी पत्नी मेघा से कहता है, जब मेरा बेटा होगा ना, तो मैं उसे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा और उसे डॉक्टर बनाऊंगा। बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जब हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आएगा। अब भी ना क्या क्या सोचने लगते हो अगर हमारी बेटी हो गई तो। ओहो, बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और उसे डॉक्टर बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। ठीक है, जो आपका मन करे वो करना। जैसे जैसे मेघा की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे अमित की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन रात का समय था, अचानक मेघा की तबीयत खराब हो जाती है और वो दर्द से तड़पने लगती है। अमित, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर जाता हूँ। अमित जल्दी से अपनी कार निकालता है और वो कार में मेघा को बिठा देता है। जैसे ही वो अपनी कार स्टार्ट करता है, ये क्या, इसमें तो पेट्रोल बहुत ही थोड़ा है। पर कोई बात नहीं, मैं रास्ते में से कार में पेट्रोल डलवा लूंगा। कितनी देर और लगेगी? जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बस थोड़ी देर और, हम बस पहुंचने वाले ही हैं। अमित मेघा को तसल्ली देता जा रहा था, वो कार चलाता जा रहा था, तभी एक सुनसान सड़क पर जाकर उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। उफ, इस पेट्रोल को भी अभी ही खत्म होना था। क्या हुआ, आपने कार क्यों रोक दी? वो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। अमित अपनी कार से उतरकर इधर उधर देखने लगता है। ओफो, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा और मेघा की हालत भी बिगड़ती जा रही है। तभी उसे सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है, तो वो हाथ का इशारा करके उसे रोकता है। भाई साहब, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, क्या आप मुझे पेट्रोल दे सकते हो? देखिए, मेरी गाड़ी में खुद पेट्रोल कम है और मुझे घर पहुंचना है। भाई साहब, मेरी पत्नी को अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, वो माँ बनने वाली है। अगर उसे समय से अस्पताल नहीं ले जाया गया तो मेरा बच्चा और वो दोनों मर जाएंगे। गाड़ी वाला व्यक्ति अमित की बात नहीं सुनता और अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। अमित बेचारा उस आदमी को रोकता रह जाता है, पर वो नहीं रुकता। अमित वापस अपनी कार के पास जाकर अपनी पत्नी मेघा को देखता है। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। तभी अमित को एक और कार उसकी ओर आती दिखाई देती है। अमित उसकी ओर दौड़ कर जाता है और हाथ हिलाकर इशारा करके गाड़ी को रोकता है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी रुक जाती है तो उसमें से एक आदमी अमित से पूछता है, क्या बात है? मुझे पेट्रोल चाहिए, मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया है। मुझे खुद बहुत दूर जाना है, पता नहीं कब मेरी ही गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए। आई, मैं तुम्हें पेट्रोल नहीं दे सकता। अमित, मुझे बचाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अगर मैं समय से अस्पताल नहीं पहुंची तो मर जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही अस्पताल पहुँच जाएंगे। हम जल्दी ही अस्पताल पहुँच जाएंगे। अब तो अमित का सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था। वो सोच रहा था, अगर समय से मेघा को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो नहीं, मेघा को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये सोच सोच कर अमित रोए जा रहा था। वो बेबस आंखों से गाड़ियों को आता हुआ देख रहा था, पर कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी से अमित को पेट्रोल नहीं दे रहा था। इधर मेघा की हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी। तभी उसकी पत्नी मेघा अमित को आवाज लगाती है, मैं अब नहीं बचूंगी। अमित अपनी पत्नी का सर अपनी गोद में रख लेता है और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अभी कहीं ना कहीं से पेट्रोल का इंतजाम करके लाता हूँ, तुम यहीं रहना और अपना ख्याल रखना मेघा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर अमित मेघा को वहीं पर छोड़कर थोड़ी दूर पेट्रोल की तलाश में निकल जाता है कि कहीं से पेट्रोल मिल सके, पर उसे दूर दूर तक कहीं भी पेट्रोल पंप दिखाई नहीं देता। यहाँ तो कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, अब क्या होगा? हे भगवान, मेरी मेघा को बचा लो, मेरी मेघा को बचा लो। गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी। अमित बेचारा हाथ हिलाकर आती हुई गाड़ियों को रोक कर उनसे पेट्रोल मांग रहा था, पर कोई भी व्यक्ति उसे पेट्रोल नहीं दे रहा था। अमित मायूस से अपनी पत्नी मेघा के पास जाता है और वापस उसका सिर अपनी गोद में रख लेता है। मेघा, मेघा, हिम्मत रखो, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। अमित मेघा को कही रहा होता है, तभी मेघा उसकी गोद में अपना दम तोड़ देती है और वो मर जाती है। तभी उधर एक गाड़ी तेजी से आती है और उसकी गाड़ी में टक्कर मारती हुई निकल जाती है, तो उससे अमित की भी मौत हो जाती है और मरने के साथ ही अमित भूत बन जाता है और वो अपनी पत्नी मेघा की लाश को देख कर फूट फूट कर रोने लगता है। अगर आज किसी ने भी पेट्रोल से मेरी मदद कर दी होती तो आज तुम्हारी और हमारे बच्चे की जान बच गई होती। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा, मार डालूंगा सबको। फिर अमित सुनसान सड़क पर घूमने लगता है और तभी
उसे रास्ते से कार आती हुई उसी जगह रुक जाती है। अरे इस कार को क्या हुआ, ये अचानक से कैसे रुक गई? फिर वो व्यक्ति कार से उतरकर इंजन चेक करता है। जैसे ही वो व्यक्ति कार का इंजन चेक करने लगता है तो भूत कार के पेट्रोल की टंकी से सारा पेट्रोल पी जाता है। अब जाकर कहीं चैन मिला। फिर वो व्यक्ति अपनी कार में वापस बैठ जाता है और कार को जैसे तैसे करके मैकेनिक के पास ले जाता है। भैया मेरी कार तो चेक करना, ये अचानक से चलते चलते अपने आप रुक गई। मैकेनिक उस व्यक्ति को कार को पूरी तरह चेक करने के बाद बताता है। अरे भाई साहब आपकी कार तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है, लगता है पेट्रोल खत्म होने की वजह से ये रुक गई थी। ये कैसे हो सकता है, आज ही तो मैंने पेट्रोल की टंकी फुल करवाई थी, तो पेट्रोल खत्म कैसे हो सकता है? उसी सुनसान सड़क पर जहां अमित और उसकी पत्नी की मौत हुई थी वहीं एक और गाड़ी आकर रुकती है। यार इस गाड़ी को भी अभी रुकना था। जैसे ही गाड़ी रुकती है तो गाड़ी के पीछे खड़ा भूत गाड़ी के पेट्रोल की टंकी से सारा पेट्रोल पी जाता है। अब जाकर जान में जान आई। अच्छी खासी तो गाड़ी चल रही थी, इसे भी पता नहीं क्या हो गया। फिर वो आदमी गाड़ी को कैसे ना कैसे करके मैकेनिक के पास ले जाता है और मैकेनिक से गाड़ी ठीक करने के लिए कहता है। अरे ओ भाई जरा मेरी गाड़ी तो देखिए, इसमें क्या खराबी हो गई है। मैकेनिक उस आदमी की गाड़ी देखकर बताता है। भाई साहब आपकी गाड़ी तो एकदम ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है, लगता है पेट्रोल खत्म होने की वजह से ये चलते चलते रुक गई। यो कैसे हो सकता है, थोड़ी देर पहले तो मैंने पेट्रोल भरवाया था, फिर अचानक से खत्म कैसे हो गया है? फिर ऐसे ही अगली रात एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को अस्पताल ले जा रहा होता है, तभी अचानक से उसकी कार उसी सुनसान सड़क पर रुक जाती है। ओहो, इस कार को क्या हो गया है, ये रुक कैसे गई? कार के रुकते ही भूत कार के पीछे खड़ा पेट्रोल की टंकी का सारा पेट्रोल पी जाता है। तभी वो आदमी गाड़ी से उतरकर इंजन देखने लगता है। इंजन तो ठीक है। फिर वो आदमी वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है पर गाड़ी नहीं चलती। ये देख भूत बड़ा खुश होता है। अब पता चलेगा इसे। वो आदमी बड़ी कोशिश कर रहा था पर गाड़ी चल ही नहीं रही थी और उसकी पत्नी दर्द से तड़प रही थी। सुनो जी मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे बाबा तुमको कुछ नहीं होगा, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वो आदमी देखता है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। अरे ये कैसे हो सकता है, गाड़ी में तो पेट्रोल था, ये खत्म कैसे हो गया? उस आदमी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पेट्रोल कैसे खत्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट ना होने की वजह से वो आदमी गाड़ी से उतरकर किसी को मदद के लिए देखने लगता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है, उसे उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, वो उससे मदद मांगता है। जैसे ही वो आदमी अपना चेहरा ऊपर करता है तो वो गाड़ी वाला डर जाता है और अपनी पत्नी के पास भागने लगता है। वो भागकर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है तो भूत भी वहां आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। जाने दो, छोड़ दो, तुम जैसे इंसानों की वजह से मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मर गया। मैं सबसे पेट्रोल मांगता रहा पर किसी ने मुझे पेट्रोल नहीं दिया। मैं भी देखता हूँ तू बिना पेट्रोल के कैसे अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। तभी उस आदमी की पत्नी दर्द से तड़पने लगती है, वो दर्द की वजह से रोए जा रही थी। हमें जाने दो नहीं तो मैं और मेरा बच्चा मर जाएंगे, जैसे आपकी पत्नी और आपका बच्चा मर गया। क्या आप चाहते हो कि जैसे आपकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई वैसे मैं और मेरा बच्चा मर जाए? तभी अचानक से उसे दर्द से तड़पती हुई अपनी पत्नी की याद आ जाती है। नहीं, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भूत उसके पति को छोड़ देता है और उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाल देता है और उनसे कहता है, सुनसान सड़क पर पेट्रोल की जरूरत पड़े तो कभी मना मत करना, हम जरूर मदद करेंगे। और वो वहाँ से चला जाता है।